ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ସିଲ୍ କଲା ଆଇଓସିଏଲ୍, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଆଗଲା ପଦକ୍ଷେପ। सिल पर रास्ताकड़े जनशुणी कले भुवनेश्वर सांसद कले मुख्यमंत्री को लिखी आठट प्रश्न सम्बलित चिठी प्रमाण स्वरूप वीडियो फोटो जनशुणी से गहली को नहीं कहे कोविड नियम परिचालना करिबा सरकार। ट्रली से स्त्री को बसाई साक्षी गोपाल कटक बड़ डाक्तरखाना आनी स्वामी चिकित्साधीन अवस्था चलीगला महिला जीवन गरीब मनीषर दुखद परिणति। भुवनेश्वर आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं पुणि उठला प्रश्न। पीएनबी एटीएम ताड़ी 27 लाख लूट अभियोग, गैस कटरे काटी टंका नहीं दुर्वृत्त फेरार। हाटरे हाताहाती दुई महिला हांडिया बिक्री बंद करने जाता बेले पुलिस को संघबद्ध आक्रमण। मयूरभंज विषय हाटर आसी एमित एक खबर। खुब शीघ्र भारत में कोवैक्सीन तृतीय पर्याय परीक्षण। वरिष्ठ डाक्टर कहे प्रथम पंग द्वितीय पर्याय परीक्षा होगी सफल देखा जाए पार्श्व प्रतिक्रिया सृष्टि होगी आंटीबॉडी। चिकित्सा पूरी साक्षी गोपाल कटक जाए स्त्री ट्रली ने घटनार दुखद परिणति देखा मिली। आज चिकित्साधीन अवस्था एसीबी ने कबीर स्वाईं स्त्री आखि बुझी लिवर जनित रोग होता नहीं एसीबी कार्यालय पक्ष सूचना दी जाए। साक्षी गोपाल कटक एसीबी को जीवाई टंका नी को एक ट्रली में बसाय कबीर स्वाईं नहीं घटना गणमाध्यम प्रसारित होगा पर राज्य स्वास्थ्य विभाग को नहीं प्रश्न उठिता बेले विभिन्न महल में उद्वेग प्रकाश पाँच। कटक पहुंचा पर समाजसेवी अभिमन्यु दास कबीर दुख शुणी सहायता करते कटक एसीबी भर्ती करा चिकित्साधीन अवस्था कबीर स्त्री आखि बुझी कबीर पत्नी पेट फुली सहित हाथ गोड़ थरु साक्षी गोपाल स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते सेठारे पांच दिन धरी चिकित्सा जारी रही था किंतु परे डाक्टर एसीबी नेवाई परामर्श देते यापर कबीर आंबुलांस खोजिते आंबुलांस जीवाई मना कर अटो कटक जावाई 1200 टंका मागी किसी उपाय नपाई बाध्य कबीर एक ट्रली रे स्त्री को बसाई कटक आनी किंतु शेषे स्त्री चिकित्सा होता कटक रे किंतु शेषे स्त्री आखि बुझी। दुखद खबर। सरकार योजना पर योजना प्रस्तुत करुछन्ति गरीबों ही यही योजना करा जाउछि किंतु प्रकृत में गरीब माने एहा द्वारा लाभवान होउछन्ति कि सेमानको पाखरे योजना पहुँचुची कि एभले अनेक प्रश्न सामना को आसुछि। जेतेबेले कबीर तांकर पाख पड़सा लोक एवं जो मैंने सहयोगी थे सेमानको आंबुलांस जोगाड़ करने कही कथा सुनते शेष अटो को कही अटो 1200 टंका चार्ज करता जहाँ पाखे सक्षम नाला 1200 टंका देवाई शेष में बाध्य ट्रली साज निज रोगिणा स्त्री को साक्षी गोपाल कटक को ट्रली रे बोही आनी कबीर एवं शेषे स्त्री आज मृत्यु घटी। अधिक आलोचना करवा सौम्यरंजन चौधरी आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। सौम्यरंजन आम सीधासलख कहीपर कि सरकार अनेक योजना प्रस्तुत करुँच मृत्यु ठू जन्मठ मृत्यु पर्यंत अनेक योजना करते कि सब योजना आज बाट बारणा हो जाए कारण जो लोकों पर योजना करो गरीबों पर योजना कर प्रकृत में से ही गरीब मैंने योजना ही पाई ना देखो सौम्या बर्तमान ओडिशा जो राज्य कथा चिंता करवा तेज निहाती भाव योजना खास करी गरीब मानक हुए तेणु बर्तमान कटक एसीबी जो घटना घटीगला योजना बाट मारणा हो कि ना ता एक प्रकार स्पष्ट हो बड़ कथा कहब कि योजना बर्तमान जो व्यक्ति पाखे दरकार था से व्यक्ति पाखे पहुँच पारे। सौम्या गोटे कथा कह आज ये व्यक्ति जनक गत काली से आनी ट्रली जोगे निज स्त्री को आज तरह मृत्यु घटला ये गोटे अघटन भाभी केवल भूलीगले हम ना गणमाध्यम हिसाब से आम प्रथम दायित्व आम कर घटना सामना को आनीचु तेणु बर्तमान देखा बाकी रहा जो अंचल ये व्यक्ति जनक कटक एसीबी को आसते ट्रली जोगे से ही अंचल जिलापा बर्तमान ये घटना संपर्क में स्थानीय अंचल कि जो मैंने अधिकारी अच्छे से पचरा उचरा कले कि ना मुँह तो कहि बर्तमान ये जो व्यक्ति जनक जी निज स्त्री शब को धरी बर्तमान गाँव को फेरले गाँव में पहुँचा पूर्व से अंचल समस्त बुद्धिजीवी और समस्त वरिष्ठ नागरिक थे चिंता प्रकट करवा उचित कि घटना कौन घटीगला जदि आज तक आंबुलांस मिलता बोध हुए जीवन बंची पारिता हेले ट्रली जोगे जड़े निज स्त्री को लेकिन जाऊँच पुणी एसीबी और से बयस हो जाए से कैंसर रोग से पीड़ित तेणु चिंता करूँ ये केत बड़ अभावन घटना तेणु बर्तमान अंचल मानवाधिकारी कर्मी कहतु कि साधारण लोक समस्त चिंता प्रकट करवा उचित
कि जो घटनाटी घटला निहाती रूपए जो कबीर भईंकर मृत्यु कबीर भईंकर स्त्रीकर जो मृत्यु घटी तांकपाई दुखद घटना हेले तारु बड़ दुखद घटना एवं सबुदिन एभली कथा मन रहइबो कि वर्तमान समय में ये योजना थाउ थाउ निज स्त्री को मेडिकल नापाई आंबुलांस मिल नाला एवं से ट्रली जगे नहीं ये चिंता ये जो चिंता करेंगे निहत रूपए क्यों ना क्योंकि मनीष पणिया संपूर्ण रूप मणि जाइए प्रश्न उठू जितने कबीर भाई बर्तन स्त्रीर शब को नहीं घर को जाते बड़े स्त्रीर स्त्री को मेडिकल आने पर आंबुलांस दरकार विभिन्न लोक जोजोग करते हैं कई साय कर चिंता करूँ ये कथि शुणला जे कई लोकर हृदय मत तरल जीव कि निज स्त्री को जे ट्रली में बोई बोई आणुच्छी अतः ताकि कई आंबुलांस गोटे जोड़ कर मुँह तो प्रश्न करी पुरी रू कटक एसबी जी किलोमीटर दूरता कबीर भई अतिक्रम करते किलोमीटर दूरतार कौन कौन से पुलिस कर्मचारी ना कौन से पुलिस थाना ना पुलिस काम केवल आईन श्रृंखला नुह सामाजिक दायित्वबोध रही तेणु रात ड्यूटी करुवा दिन में ड्यूटी करुवा ट्राफिक पोस्ट ड्यूटी करुवा लोक मैंने करुले कौन से कर्मचारी करुले कौन आदि घटना से मामना को आसी भी जी जुआड़े जाऊँ जाऊ आम सहित कई जोजोग करना ये हूँ सबुठ अबलार परिचय तेणु देखा बाकी रहा ये घटना दुई दिन धरी गणमाम चर्चा होगापर निहत रूपए आप कार्यानुषान आवश्यकता हो कम से कम तदंत आवश्यकता हो बास्तविक कबीर भाई स्थित कौन थी कहीं आंबुलांस मिल नाला केवल जे जिले में जिते जो योजना रोचे से योजना लोकों पाखे ठीक से पहुँचुच कि नहीं अनुदान करवाला सबुठ बड़ काम तेणु बर्तन कबीर भाई स्थिति जहाँ ये घटना को केवल आज गोटे दिन अघटन भाभी भूली गले हम ना बर घटन शिक्षा लाभ करवा उचित धन्यवाद पात्र समाजसेवी अभिमन्यु जी सहायतार हाथ बढ़ाई कबीर को शेष में एसीबी एडमिट कर स्त्री को एडमिट कर बड़ प्रश्न होते बड़े तृणमूल स्तर में अंगनवाड़ी कर्मी अच्छा स्वास्थ्य कर्मी अच्छा गाँव अच्छी गाँव सरपंच अच्छा के उठी एमकूल खबर पहुंचा सहयोग करने कथा से देखो ये पूरा घटना पर जहाँ बार सूचना लगी कि अंगनवाड़ी कर्मी कहुत कि सरपंच कहतु एम कहता कबीर भई से जोजोग करना तेणु जदि बर्तन से कहते कि कबीर भई जोजोग करना अथच कबीर भई आम जहाँ प्रतिक्रिया रखीचु कि कबीर भई कहते मुझे लोक सहित जोजोग करी हेल्ले कहीं साय कर आंबुलांस कि मगा जाए सरकारी आंबुलांस मुझे जाणी ना निहत कबीर भई पास सचेतन अभाव अच्छी हेल्ला जो मूँ से साय मागिले पाखे तो सचेतन अभाव नाला मानवीयतार अभाव था तेणु बास्तविक से लोक कहते कि ना और लोक मैंने कहीं शुणापुर साय कले जो गोष्ठी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रथम कबीर भई जाते सेठे डाक्तर जदि एसीबी को पठाइबा कहले तेज एसीबी को तू केमी जीव से नहीं जे डाक्तर मानवता दृष्टि व्यवस्था करार से नहीं गोष्ठी सेवा स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्था करवस्था कर ना सरकारी स्तर में बर्तन यहाँ जिलापाल अनुधान करूँ एभली एक घटना जो जिलूर आसूँ सबू बर्तन कह सबू घटना ठीक ये एक संवेदनशील घटना जड़े गरीब जो बर्तमान समय सरकार का सुविधा पाईपना खोद जिलापा ये घटना को अणदेखा करवा उचित नुह बर जाना दरकार कि जदिव जिलापा हिसाब से जिलार दायित्व हेले कौन पर जड़े जिलार ये जो बासीदा जड़क कौन पर से सुविधा पाला ना कौन पर कबीर बही पाखे आंबुलांस पहुँच पारानी क्यों क्यों अधिकारी टच्रे से आसाला क्यों क्यों अधिकारी संस्पर्शे आसाला क्यों क्यों लोक सहित संपर्क आसते क्यों डाक्तर देखी ये खबर कहीं जिला प्रशासन पाक आसपारा ना बारंबार कहु जहाँ भी अभियोग अच्छी जहाँ भी समस्या अच्छी जिला प्रशासन पाक आसू हेले कौन पर गोटे गरीबर असहायता गरीबर समस्या गरीबर अपारगता यह सब कहीं सामना को आसपारे तेणु कटक एसी मेडिकल निज तरफ संपूर्ण रूप स्पष्ट जरूरकाली अधिकारी चिकित्सा कराई जहाँ जहाँ आवश्यक चिकित्सा सुविधा दरकार सब जगह दि जाइए गोटे बड़ कथा कहते कि पेसेंट जन को बयस होता कैंसर रोग पीड़ित थे सौम्या यूर अनुमान करूँ जन को बयस हो जड़े कैंसर रोग पीड़ित आक्ति ट्रली जो आस पुरी रू कटक एसीबी ये क्यों ना क्यों उपवास करुच्छे कि बास्तविक रोगी बोध हुए रास्त जी समय ट्रली आसला से स्वास्थ्यावस्था आहरी गुरुतर हो पड़ा भगवान को धन्यवाद देव बोध हुए बाटे आसला बेले जीवन चली जाइप कहीं जे कैंसर रोगी आसुचान ट्रली जहाँ को अधिक मृत शरीर आंबुलांस जोगे गाँव को जीव जदि आंबुलांस टी हुए तो आगुरी मिले था आज यही महिला जीवन बंची जाता सौम्यरंजन कितना बड़ प्रश्न आसूसी कौन से विच्छिन्न अंचल दृश्य नुहे पुरी साक्षी गोपाल पुरी साक्षी गोपाल जो से कटक आसुँच रास्त अनेक छक आसूरी छक गुड़िक प्रकार व्यवस्था कर सरकार योजना रोचे कितु क्योंटिना के सब योजना आज परिहास हो जाए सौम्यरंजन निहत रूप परिहास होती आप कहे जी कटक एसी मेडिकल बर्तमान आंबुलांस जोगे
ତାଙ୍କ ଶବକୁ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ହୋଇପାରିଲା, ସେ ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଆସିଲେ କଟକ ଏସ୍ସି ବି ସେଠାରେ କାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଲାନି। ନିହାତି ରୂପେ କବୀର ବୋଇତ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପାଇନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତା ପୁଣି ଟ୍ରଲିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏବଂ କବୀର ବୋଇଙ୍କ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି 24 ପହର ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ପ୍ରତି ଥାନା ପ୍ରତି ଛକ, ଇଏ ଘଟଣା କ'ଣ କାହାରି ନଜରରେ ପଡ଼ିଲାନି? ଏବଂ କାହିଁକି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, କଟକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ କଟକ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କେହି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ, ଗାଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଟକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲି ଚଲେଇ ଚଲେଇ କଟକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ତ ବସେଲା ପଡ଼ିଛି ଏମିତି, ଆଉ ଖାସ କରି ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଏମିତି କୁହେ। ଜାଣିମୁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିପାରିନି ଆଉ, ବହୁ କହିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସିଏ ବି କିଛି ସହଯୋଗ କଲେନି, ନ କରିବାରୁ ଯାଇଲି ଆଉ। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସଚେତନ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି କବିର ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା, କି ଅଟୋରେ ଆସିନଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ ଆସିନଥାନ୍ତା, କି ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସିକ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିଲା ସେଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଲିଭର୍ ମାଲିଗ୍ନାନ୍ସି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ସେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରଫେସର ଦଳେଇଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ରେ 184 ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସକାଳେ ଦରକାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଅବନତି ଘଟିଲା 12 ଆଉ 12:20 ତାଙ୍କର ଡେଥ ହୋଇଗଲା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 8 ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ସେପରି କୋଭିଡ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତେବେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ କେବେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 8 ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ଚିଠି ଲେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହିପରି ଅପରାଜିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଜାଗାରେ 15 କାମ କରିବେ, ସେଠାରେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ, କେମିତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଟା ପ୍ରଶାସନର କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆଜିଠୁ 15 କାମ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ସମୟ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ କାମର। 3 ଜାଗାରେ କାମ ହେବ, ପ୍ରଥମ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ମାନିକି COVID-19 ନିୟମ, ମାସ୍କ, ହାତ ଧୋଇବା ଆତୃତୀୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଜ ପାଇଁ ଯେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳିତ, ଏଟା ଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାସନ ମୋତେ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର COVID-19 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯେମିତି ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଉ।
भुवनेश्वर आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होती विलंबित रात्रि में गैस कटर एटीएम भांगी 27 लाख टंका लूट करिछंती दुर्वृत्त पटिया मैग्नेटिक छक पंजाब नेशनल बैंक एटीएम रु लुट कर आयरन चेस्ट भांगी टंका लुट होता अभियोग घटनास्थल गैस कटर जबत कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल में पहुंची करुछंति जांच एटीएम सीसीटीवी फुटेज आधार में अभियुक्त को चिन्हट कर पाखे पहुंचापी कमिश्नरेट पुलिस उद्यम कर गत किछि दिन हेबो राजधानी में अपराध बढ़ुथिबार भुवनेश्वर आईन श्रृंखला और पुलिस पारिपा पणिया उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होछि। एटीएम ताड़ी 27 लाख टंका लूट कर अभियोग आसी पटियास्थित मैग्नेटिक छक पीएनबी एटीएम रु लुट कर गैस कटर एटीएम को काटी टंका लुट कर दुर्वृत्त जो खबर हो साइंटिफिक टीम घटनास्थल में पहुंची जांच करपटे सीसीटीवी फुटेज को जांच कर कमिश्नरेट पुलिस सबुठ बड़ चैलेंज लुटेरा को धरवा तेज तदंत प्रक्रिया बर्तमान समय जारी रही तेबे तदंत सर हेत प्रकृत चित्र सामना को आसीबो केते जणकर एथिरे संप्रुक्ति थिला ओडिसार लुटेरा ना बाहर लुटेरा पेशागत अपराधी ना दिनिकिया अपराधी ए घटनार स्पष्ट सूचना तदंत पर ही स्पष्ट सामना को आसीबो। पेट्रोल पंप रे विस्फोट घटना को नहीं कार्यानुष्ठान राजधानी राजभवन निकट पेट्रोल पंप को आज सिल कर आईओसीएल पेट्रोल पंप घटनार तदंत पुलिस एवं आईओसीएल पक्ष गत बुधवार पेट्रोल पंप गैस टांकी विस्फोट में केते जन मृत्यु होपर्त स्पष्ट चित्र आसीपारी सेपटे पेट्रोल पंप लगी सीसीटीवी फुटेज को जबत कर तदंत आगक करपटे घटनास्थल जबत होता मांस टुकड़ार डीएनए टेस्ट कर मृतकों चिन्हट कर कमिश्नरेट पुलिस पक्ष सूचना दीजिए। जो तदंत चली पुलिस तदंत कर आईओसीएल तदंत कर कारण आईओसीएल पर समस्त नजर अच्छी आईओसीएल बेसी दोषी एमती ही संदेह हो कारण आईओसीएल सुपरविजन रे मार्केटिंग डिविजन से भर्ती करुले एलपीजी से सिलिंडर रे एवं से एलपीजी सिलिंडर रे जहाँ आम पेशोर अधिकारी सप्ते में कथु से जो फैक्ट्री एंड बॉयलर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तांगे कथु आईओसीएल अधिकारी से कथु तो जमापड़ी जदि से भर्ती करुले तो कहीं दुर्घटना ला केतक संदेह करुँच समय जो पेट्रोल पंप आप देखुं जो आपणकर जो एलपीजी टांकी थी जोटा ब्लास्ट कला हे तो सोल्डिंग वर्तमान समय बड़ खबर सामना को आसुची बालेश्वर उपनिर्वाचन प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेपी एवं जो सूचना रही बालेश्वर उपनिर्वाचन बीजेपी प्रार्थी घोषणा कर बालेश्वर पर बीजेपी प्रार्थी मानस कुमार दत्त बालेश्वर विधायक थिबा बेले मदन मोहन दत्तंकर मृत्यु घटीला तेरे मदन मोहन पुओ मानस दत्त को प्रार्थी करिछि बीजेपी बालेश्वर उपनिर्वाचन बीजेपी प्रार्थी घोषणा बालेश्वर पर मानस कुमार दत्त का ना सामना को आसी तेरे बालेश्वर विधायक थे मदन मोहन दत्तंकर मृत्यु घटीला पुओ होती मानस दत्त प्रार्थी करिछि बीजेपी बालेश्वर उपनिर्वाचन को नहीं वर्तमान समय राजनीति सरगरम रही तेरे यार भितर बीजेपी तार प्रार्थी घोषणा करिछि बालेश्वर विधायक थे मदन मोहन दत्तंकर मृत्यु घटीला पुओ मानस दत्त को प्रार्थी करिछि बीजेपी तेरे आगामी समय कांग्रेस एवं बीजेडी पक्षर क्या प्रार्थी करापुर समस्त नजर रही कांग्रेस एवं बीजेडी अंक कसा छिड़ला कि नहीं नजर किंतु यार भितर बीजेपी जो ना सामना को आनी मानस दत्त मदन मोहन दत्त पु हो मानस दत्त जहां बालेश्वर उपनिर्वाचन बीजेपी पक्षर प्रार्थी घोषणा कर भवानी प्रसाद दास आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी भवानी प्रार्थी घोषणा करजेपी मानस ना उप मोहर बाजी कौन रखा चाहिए अपडेट सूचना देखो जहां पूर्वर मध्य बीजेपी जो मैंने राज्य नेतृवृंद अच्छा से विभिन्न स्तर में आलोचना करते क्या प्रार्थी हो दुईट गुरुत्वपूर्ण आसन रही तीर्तल कथा कहतु और बालेश्वर सदर कथा कहतु जो दुईट गुरुत्वपूर्ण आसन रही केमती बीजेपी हाते बसे नहीं रणनीति निर्धारण कर मुख्य कथा रही कि प्रार्थीत्व क्या दिज्व बर्तमान जहां स्पष्ट होजेपी जो दुई जन प्रार्थी होती बालेश्वर सदर पर
मानस कुमार दत्त जिकि पूर्वतन जी थिले विधायक तांकर सुपुत्र अटंती एवं तिर्तोल पाई मध्ये राजकिशोर बेहरा जिकि अल्प दिन तले कांग्रेस रु आसी बीजेपी रे योगदान करथिले तांकर प्रार्थित्व ऊपर मोहर बाजीची तेणु निश्चित भाव आम कही पारा बालेश्वर सदर कथा जब देखा पूर्व बीजेपी यही आसन टी अक्तिर कर 2019 2014 बीजेडी जीवन प्रदीप दास यहां जीतिले कि 2019 यह अक्तिर कर सेठार विधायकों जिते मृत्यु घटा से उपनिर्वाचन करतोले विधायक जी रही थे पूर्व विष्णु दास मृत्यु घटा पर सेठार उपनिर्वाचन कर तेणु निश्चित भाव में प्रति समबेदना रही है बालेश्वर सदरवासी जेहेतु पूर्व विधायक थे और पुत्र वर्तमान से आसन लड़ुंव अन्य दल वर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारे बीजेडी क्या टिकेट दब दुईट जाक विधानसभा आसन और कांग्रेस तार प्रार्थित्व घोषणा करनी कि कांग्रेस नेता मैंने कहवा कथा कि प्रार्थी चूड़ांत हो सारी हूं तो आसंता का कांग्रेस तार प्रार्थी घोषणा कर आसन तेणु यही जो दुईट ना बर्तमान सामना को आसी बालेश्वर सदर कथा जदि कह जो मानस कुमार दत्त जड़े युव संगठक से बापांर अधिकांश मदन मोहन दत्त जी रही थे दिवंगत विधायक अधिकांश कार्यकलाप सी ही देखारेखा करुते बुझासुझा करुते निर्वाचन मंडल खबर रखुते निर्वाचन मंडल लोकों सहित संपर्क तैयारी करुते तेणु तर प्रार्थित्व उपर बीजेपी नेतृत्व मोहर बाजी पूर्व विषय जनाला कि मदन मोहन दत्तों पुत्र को ही सेठार प्रार्थी करु बर्तमान गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ अन्न जो आशायी रही केमती एकाठी कर बीजेपी निर्वाचन रणांगण को ओह्लैब से बर्तमान गुरुत्वपूर्ण कथा कारण तिर्तोल आपड़ देखिथे दुई दुई थर प्रार्थी जी रही से वर्तमान बीजेपी छाड़ी देते किसी दिन पूर्व कारण एथर जेहेतु तो टिकेट मिली से आशा करते तेणु से बीजेपी छाड़ी आम जहां प्रतिक्रिया नौलु बीजेपी राज्य स्तर नेता कहवा कथा बीजेपी एक कैडर भित्तिक दल और सेठार किए रहा किए न रहा से दल भोट अच्छी दल को लोक भल पाती तेणु जदि किए कौन असंतुष्ट हो दल छाड़ी तार कौन भी प्रभाव पड़े ना बीजेपी उभय आसन दखल करियो बोली से दृढ़ोक्ति रखिते कि प्रकृत पक्ष होती जितेबाला उपनिर्वाचन होता है आपड़ विगत जिते उपनिर्वाचन होने देखिथे गां भा गोटे जोड़े उपनिर्वाचन को छाड़ शासक दल कौन भी उपनिर्वाचन हारी ना सबू उपनिर्वाचन में शासक दल पल्ला बाहर रही सबू समीकरण को ओलट पलट कर देता है बीजेडी जितेबाला उपनिर्वाचन आसी थाए तेणु निश्चित भाव में जेहेतु वर्तमान दिवंगत विधायकों पुत्र को बीजेपी प्रार्थी करा सत्वे बीजेपी गोटे बड़ चैलेंज हम तांकर से आसन को पुन थे बलबत्तर रखा तिर्तोल कथा देखा से बीजेडी पल्ला भारी रही सहित बीजेपी कहि कि 2019 निर्वाचन पर शासक दल जो कार्यकलाप रही नहींक्र लोकों पाक जीवे कि बालेश्वर कथा जब देखा बालेश्वर में निश्चित भाव में जेहेतु उपनिर्वाचन रही जदिव साधारण निर्वाचन में बीजेपी हाथ में से आसन रही है किंतु जेहेतु उपनिर्वाचन अच्छी निश्चित भाव में बीजेपी गोटे बड़ चैलेंज हम कि जो आसन हाथ में थी जो 23 जन विधायक सांगर जीतिक आसते बालेश्वर सदर आसन हाथ में था पुण थे केमती निज अक्तिर रखिपारे बीजेपी गोटे बड़ चैलेंज हम एपं से समस्त प्रस्तुति आरंभ कर रणनीति आरंभ कर आगो को देखा लोक आस्था प्रकट करते स्ट्रेटजी प्रस्तुत हो सारी रणनीति प्रस्तुत हो सारी तेज बीजेपी प्रार्थी घोषणा कर सारी जो सूचना सामना को आसुची मानस कुमार दत्त ना उपरे मोहर मारछि बीजेपी तेज आगामी समय कांग्रेस का प्रार्थी करुछि बीजेडी का प्रार्थी करुछि रोचे समस्त नजर बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम सूचना पर सहित आलोचना कर प्रतिनिधि भवानी प्रसाद दास जो सूचना रखुते प्रार्थी घोषणा करुछि बीजेपी और तिर्तोल पर बीजेपी प्रार्थी राजकिशोर बेहरा ना सामना को आसुची बालेश्वर उपनिर्वाचन बीजेपी प्रार्थी घोषणा करलेश्वर पर बीजेपी प्रार्थी मानस कुमार दत्त ना उपरे मोहर मारछि बीजेपी बालेश्वर विधायक थे मदन मोहन दत्तर मृत्यु घटी मदन मोहन पुओ हो मानस दत्त प्रार्थी करजेपी।